इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के गिरिडीह के गांव प्रखंड अंतर्गत तराई, चरकी, निमाडी, जमडारा, मालडा और नगवा जैसे कई गांवों का भ्रमण किया। ग्रामीणों से रूबरू हुई, उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर ग्रामीणों ने डिग्री कॉलेज, नया राशन कार्ड, वृद्धा विधवा, दिव्यांग पेंशन जैसी समस्याएं सुनी, जिस पर एक्शन लेते हुए अन्नपूर्णा देवी ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के सामने संगठन को मजबूती प्रदान करने, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने, क्षेत्र का विकास जैसे ज्वलंत मुद्दों को रखा गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बीजेपी का एक ही उद्देश्य है कि हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। इस सरकार, ये सरकार विजन लेस सरकार है, इसके पास कोई भी विजन नहीं है कि राज्य का विकास कैसे हो। आज गांवा प्रखंड के तराई, बिल्कुल तराई क्षेत्र भी है, तराई नाम भी है, और इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में आए हुए हैं। और निश्चित रूप से देखें तो यहाँ पे जैसे उच्च विद्यालय की कमी, हाई स्कूल नहीं है 10 किलोमीटर के रेडियस में। सरकार की ये इच्छा शक्ति नहीं है कि जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। ये सरकार लगातार, आप देख रहे होंगे कि जब से झारखंड में सरकार बनी है, ये लूट पे ध्यान दे रही है। कैसे